स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्मनम च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोगों का हरण करना, यही आयुर्वेद का प्रयोजन है। आयुर्वेद एक बहुत ही प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और मैं इस पद्धति से एक कर्म अग्निकर्म को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अग्निकर्म को प्रोसीजर बाय फायर भी कहते हैं। जिन व्याधियों की चिकित्सा अग्निकर्म द्वारा की जाती है वह कभी दोबारा उत्पन्न नहीं होती। अग्निकर्म का प्रयोग हम पेन मैनेजमेंट और स्किन इन्फेक्शन में भी करते हैं। अब मैं यहाँ अग्निकर्म के इतिहास पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। इसे दहन कर्म भी कहा जाता है। इसका प्रारंभ वैदिक काल में सन 1750 से 500 ईसा पूर्व में हुआ था। अथर्ववेद में इसका वर्णन कृमि रोग की चिकित्सा के लिए किया जाता है। सुश्रुत सूत्र स्थान में इसका वर्णन 60 उपक्रमों में किया गया है। सुश्रुत संहिता के द्वादश अध्याय में अग्निकर्म विधि का वर्णन किया गया है। क्षाराद अग्निर्यान क्रियासु व्याख्यात दग्धनाम रोगणाम पुनर्भवस्य भेषज शस्त्र क्षारे रसाद्यनाम तत्साध्य त्वच। अतः शलाका आदि विविध उपकरणों के द्वारा जो क्रिया की जाती है उससे सिराओं में संकोच उत्पन्न होता है व रक्त की स्थापना होती है। इसके द्वारा रोग का समूल नष्ट हो जाता है व रोग की पुनः उत्पत्ति नहीं होती है। यहाँ 64 व्याधियों का वर्णन किया गया है जो अग्निकर्म के द्वारा ठीक की जाती हैं, जैसे शुरोग, अर्ज, विसर्प, अर्बुद आदि। वार्ट्स, विटिलिगो, शिरोरोग आदि अनेक गंभीर व्याधियों में मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार बहुत ही कम उपायों का वर्णन है, जैसे कि कोट्रेडिशन, हीट थेरेपी, लेजर थेरेपी आदि। परंतु यह सभी पूर्णतः सफल चिकित्सा नहीं है, क्योंकि इनके प्रयोग के पश्चात भी रोगों के पुनः उत्पन्न होने की संभावनाएँ रहती हैं। यह मॉडर्न थेरेपीज महंगी एवं आसानी से उपलब्ध न होने के कारण जो सामान्य जनमानस है वह इनके लाभ से वंचित रह जाता है। बहुत से लोग ज्ञान के अभाव में वार्ट्स को ब्लेड से काटने या फिर सैलिसिलिक एसिड का प्रयोग करते हैं, जो कि कारगर नहीं है। लेकिन अग्निकर्म एक सफल चिकित्सा है एवं इसके प्रयोग के पश्चात रोग पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं। तो अब हम अग्निकर्म चिकित्सा की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। पूरी प्रक्रिया 3 हिस्सों में विभाजित है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में हम विशेषता ध्यान आहार और बाकी की प्राथमिक क्रियाओं पर देते हैं। रोगी को अग्निकर्म कराने से पहले खाली पेट में पिछले आहार का सेवन कराएं। प्रक्रिया करने से पहले रोगी की सहमति अनिवार्य है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। रोगी की सहमति के पश्चात हम CBC, ब्लड शुगर आदि जांच कराकर उसका परीक्षण करेंगे। मरीज को अग्निकर्म के दौरान होने वाली पीड़ा से अवगत कराएंगे, जिससे वह खुद को तैयार करे और प्रक्रिया में हमारा साथ दे। जो चिन्हित जगहें हैं उन्हें त्रिफला क्वाथ, नॉर्मल सलाइन, स्पिरिट आदि से साफ करेंगे। अब हम प्रधान कर्म की ओर चलते हैं। प्रधान कर्म के दौरान हम दो तकनीक का प्रयोग करते हैं, कॉन्टिन्यूस हीट बर्न, इंटरमिटेंट हीट बर्न। कॉन्टिन्यूस हीट बर्न को भी दो तरीकों से किया जाता है। पहला है त्वक दग्ध, दूसरा है मांस दग्ध। त्वक दग्ध का प्रयोग त्वचा के ऊपरी सतह पर हुए रोगों के लिए करते हैं तथा मांस दग्ध का प्रयोग त्वचा के निचली सतह में मांस में हुए रोगों के लिए करते हैं। यहाँ पर हम उपयुक्त शलाका से 11 से 12 बार दाह कर्म करते हैं। इसके बाद हम पश्चात कर्म के लिए जाएंगे। दाह कर्म के पश्चात जो निशान रह जाते हैं उनकी पूर्णतया देखभाल आवश्यक है। इन निशान पर यष्टिमधु घृत का लेप अथवा घृत कुमारी का लेप लगाएंगे, जो जलन को कम करेगा। अग्निकर्म की जगह को जल आदि से बचा कर रखेंगे, अन्यथा संक्रमण होने का खतरा होता है। यदि व्याधि दीर्घकालीन है तो उसे 2 से 3 महीने तक 15 दिन के अंतराल पर 3 से 4 बार अग्निकर्म चिकित्सा देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अग्निकर्म में प्रयोग होने वाले औषधियाँ और उनके सामग्रियों के बारे में। तो पहले नंबर पे हमारा आता है त्वक दग्ध, इसमें हम यूज करते हैं पिपली, गोदांत, शार और शलाका का। दूसरे नंबर पे हमारा आता है मांस दग्ध, उसमें हम पंचकोल का और स्वर्ण शलाका का प्रयोग करते हैं। फिर तीसरे नंबर पे हमारा आता है सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि का, उसमें हम प्रयोग करते हैं मधु और घृत का। फिर हम बात करते हैं शलाका के प्रकार के बारे में, तो ये 5 प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह आदि। शांते अग्नो मिर्यते युक्ते चीरम जीवत नामे। सृष्टि की उत्पत्ति एवं संधारण अग्नि से ही संभव है। चिकित्सात्मक दृष्टि से भी अग्नि को महत्वपूर्ण माना गया है। निर्जीवाणुकरण की प्रक्रिया भी अग्नि के द्वारा ही की जाती है। अग्निकर्म आयुर्वेद शास्त्र में एक महत्वपूर्ण विषय माना गया है। अग्निकर्म द्वारा नष्ट किए गए रोग पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं।